हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसे कि अब बस कुछ ही घंटे बचे इस वीक के मंडे नाइट रॉ को शुरू होने में, और आप सबको बता दूं इस वीक का रॉ बिल्कुल पे पर व्यू के टाइप होने वाला है, क्योंकि यहां पर हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, स्टील केज मैच देखने को मिलने वाला है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और भी कई सारे थिंग। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि WWE ने क्या कुछ ऑफिशियली कंफर्म कर दिया इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, और साथ ही साथ रोंडा राउजी के रिटर्न से रिलेटेड भी अपडेट है। इसके अलावा स्मैकडाउन के बाद रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा उससे भी जुड़ी। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रॉ से जुड़ी अपडेट से। तो सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया वो है एक सिंगल्स मैच, जो कि हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकएंटायर वर्सेस कीथ ली के बीच, और ये एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है, यानी कि यहां पर WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं होगी। वहीं बात की जाए कि इस मैच में जीत कौन सकता है, इसके लगभग पूरे चांसेस है। इस मैच में हमें क्लीन रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिखेगा, और हो सकता है कि यहां पर हमें रैंडी ऑर्टन की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, देन वो हमें देखने को मिलने वाला है एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन सिजारो एंड सिंस्के नाकामुरा वर्सेस रॉ टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच। अब आप सबको बता दूं कि ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि इन दोनों का रीमैच हमें फिर से देखने को मिलने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपरव्यू में, जिसके बाद दोनों टैग टीम चैंपियनशिप एक हो जाएगी, यानी कि हमें रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए अलग अलग चैंपियनशिप देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप है उसी तरह अब बस एक ही मेंस की टैग टीम चैंपियनशिप रहेगी, यानी कि यहां पर जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला जिसके वजह से इन दोनों का रीमैच हमें बनते हुए दिखेगा, और वो शायद से किसी की इंटरफेरेंस ही हो सकती है। अब क्या वो रेट्रीब्यूशन होते हैं या फिर और कोई टैग टीम, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया, तो वो है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, एंड ये हमें देखने को मिलने वाला है आस्का वर्सेस मिकी जेम्स के बीच। हम सभी को लगा था ये मैच हमें देखने को मिलेगा क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपरव्यू में, बट WWE ने इसे इस वीक के रॉ में ऑफिशियल कर दिया, इसलिए लेट्स सी कि क्या इस मैच में भी ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से इन दोनों का हमें रीमैच बनते हुए दिखेगा क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपरव्यू में। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया है, तो वो ये है कि मैंडी रोज अब रॉ में ट्रेड हो चुकी है, यानी कि वो पार्ट अब बन चुकी है रॉ का, और इस चीज को मैंने इससे पहले वाले Q&A वीडियो में भी आप सबको बताया था। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार मैंडी रोज अब रॉ में आ चुकी है तो उनका आगे क्या कुछ रोल होता है, क्या वो रॉ में चैंपियनशिप के लिए जाते हैं या फिर उनका कुछ और डायरेक्शन होता है। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया है, तो वो है एक स्टील केज मैच डोमिनिक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच, और जितने बार भी ये दोनों आमने सामने आए इनके बीच हमें एक अच्छा मैच देखने को मिला है, और इस बार भी उम्मीद उससे ज्यादा, इसलिए लेट्स सी कि इस बार यहाँ पर जीत किसकी होती है। वैसे आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताने कि आपको क्या लगता है इस स्टील केज मैच में किसकी जीत हो सकती है, सेथ रॉलिंस या फिर डोमिनिक की, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली थिंग जुड़ी है रोंडा राउजी के रिटर्न से, तो आप सबको पता ही है रोंडा राउजी हमें लास्ट देखने को मिली थी रेसलमेनिया 35 में, एंड उसके बाद ऐसी कुछ भी थिंग नहीं हुई जिससे हम सब कह सकते हैं कि हाँ रोंडा राउजी का रिटर्न अब काफी जल्द होने वाला है WWE में। लेकिन आप सबको बता दूं रिसेंटली वो हमें रॉडी पाइपर के डॉटर के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखी, जिसके बाद स्पेकुलेशन लगनी शुरू हुई कि वो शायद से वो अपना रिटर्न हमें काफी जल्द करते हुए दिखने वाली है WWE में, और कह सकते हैं ये उन फैंस के लिए काफी पॉजिटिव अपडेट है जो भी वेट करे रोंडा राउजी के रिटर्न का। वहीं बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में कि रोमन रेंस ने स्मैकडाउन के बाद क्या कुछ कहा, तो आप सबको पता ही है लास्ट वीक के स्मैकडाउन में वो हमें बिल्कुल एंड में देखने को मिले थे, एंड उन्होंने आकर डायरेक्ट स्पेयर लगाया सेमस को एंड अपनी टीम को जिता दिया, और वही थिंग उन्होंने करी जो कि उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ रहता है, यानी कि सो अप एंड विन या फिर रैक एवरीवन एंड लीव। और रोमन रेंस ने यही थिंग कही कि मैं अपने बात का पक्का हूं, जैसा मैंने बोला वैसा मैंने किया, और देखते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन में वो क्या कुछ बड़ी थिंग करते हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आप इस वीक के मंडे नाइट रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को बेल लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।